Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the complete notes of special theory of relativity. And this video is going to be very helpful for those students who just got to the third year, BSc third year. So ये video BSc third year वालों के लिए काफ़ी important है. ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में रिलेटिविटी थर्ड ईयर में आती है, उनके फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट है ये. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो एक फुल नोट्स की तरह है, अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं. ज़्यादातर चीज़ें इसमें कम्प्लीटली फिल्ड हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. A system of coordinate axes which defines the position of a particle in two or three dimensional space is called the frame of reference. तो कोई भी system of coordinates जो define करता है किसी भी particle के position को, चाहे वो two dimensional space में या three dimensional space में, उसे हम frame of reference बोलते हैं. या किसी भी point body object को locate करने के लिए जितने coordinate system की ज़रूरत होती है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं. या इस पे उसको सिलेंड्रिकल में भी हम बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को भी हम बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जो भी हम सिस्टम यूज़ करेंगे उस सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. ऑल मोशन इज़ रिलेटिव एंड इन ईच केस ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन. सारे मोशंस रिलेटिव होते हैं और हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन के अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं. देयर इज़ नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कैन बी यूज्ड एवरीवेयर एज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. तो अगर आपने नहीं देखा हो पिछला तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें. जो हिस्टोरिकल वीडियो था रिलेटिविटी के ऊपर, वहाँ बताया गया था कि कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है, बल्कि हर बॉडी अपने अलावा हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट घूमती रहती है. कोई एक फिक्स रेफरेंस नहीं है, हर बॉडी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके अलावा सारी चीज़ें हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक इनर्शियल है, दूसरा नॉन इनर्शियल. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे होते हैं जो नॉन एसेलरेटेड होते हैं, और नॉन इनर्शियल वे होते हैं जो एसेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सिस्टम इन विच द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड आर कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ऐसा सिस्टम जहाँ न्यूटन्स का पहला मोशन होल्ड करता है उसे इनर्शियल बोलते हैं. ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम इज इटसेल्फ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सिस्टम इन विच द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड आर कॉल्ड द नॉन इनर्शियल. एंड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड motion accelerated with respect to the inertial frame is called non-inertial frame of reference. तो ऐसा कोई frame of reference जो accelerated हो उसे हम non-inertial frame of reference बोलते हैं, और जो constant velocity से जाता है उसे हम inertial frame of reference बोलते हैं. Galilean transformation, Galilean ने time को absolute माना था. उन्होंने एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंजिंग के दौरान जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उस दौरान टाइम को एब्सोल्यूट माना था. सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन दीज आर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड. दिस इज द वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दीज आर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड ये सपोज करिए कि कोई इवेंट यहाँ आकर हो रहा है. तो अगर
जो इवेंट है वो केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, तो वाई और जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इवेंट है वो कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर। और अगर हम ये सपोज करें कि जो दूसरा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो आफ्टर टाइम टी वो कितनी दूरी पर होगा, वी टी, सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। सो आफ्टर सो मच कैलकुलेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज फाइनली इज ऑफ द टाइप एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल वाई एंड जेड डैश इक्वल जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन बाय द गैलीलियन, एंड हियर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश आर द कोऑर्डिनेट्स इन द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड एक्स वाई जेड एंड टी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इवेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो एक्स वाई जेड इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ ए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। The need for ether. The wave nature of light seemed to require a propagation medium. It was called ether. ऐसा माना गया कि वेव, हर वेव को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो लाइट के लिए भी कोई मीडियम चाहिए, उस मीडियम को माना गया कि ether है। Ether had no such a low density, has such a low density that planet moved थ्रू इट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। और इथर को कुछ ऐसा माना गया है कि उसकी डेंसिटी इतना कम है कि कोई भी प्लानट मूव्स कर सकता है उससे विदाउट एनर्जी लॉस किए हुए। इट हैड टू हैव एन इलास्टिक टू सपोर्ट द हाई वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, और उसकी इलास्टिसिटी भी इतनी सपोर्टेबल होगी कि वो हाई वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव को पास करने देगा, देता है। एंड सम हाउ इट कुड नॉट सपोर्ट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड लाइट वेव्स इन ईथर ओबे द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मूविंग फ्रेम्स। सो दिस डिस्क्रिपेंसी वॉज रिमूव्ड बाई द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। यहाँ हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रो है। नेक्स्ट वीडियो में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के ऊपर होगा, जहाँ हम ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मूल उद्देश्य था लाइट के वेलोसिटी को किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में शो करना कि वो सेम रहता है या उसमें कोई शिफ्टिंग होती है। तो लास्ट में पता चला कि इनका एक्सपेरिमेंट निगेटिव रहा। निगेटिव का मतलब ये निकला कि ईथर जैसा कोई मीडियम नहीं होता, न उसका कोई इफेक्ट है। So there was no shift, which is expected earlier. So this I discuss in the next video. And some detail is here. If light requires a medium, then its velocity depend on the velocity of medium. So velocity vector add for parallel velocity. The velocity of light is in the direction this, and ether is also in the same direction. So the v total is v light plus v ether, and in anti-parallel velocities this is going to be negative v light minus v ether. So this I discuss in the next video in detail. So filhal postulates of special theory of relativity, all the fundamental laws of जो first postulates है special theory of relativity का, वो ये था कि all the fundamental laws of physics retain the same form in all inertial frame of reference. मतलब ये कि जो जितने fundamental law हैं physics के वो same होते हैं किसी भी frame of reference में, inertial frame of reference में। चाहे वो कहीं से भी मेज़र किया जा रहा हो। एंड द सेकेंड पॉस्टुलेट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज़ कॉन्स्टेंट एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स
एंड द ऑब्जर्वर। जो दूसरा पॉस्टुलेट था वो ये था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो फ्री स्पेस में कॉन्स्टेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है सोर्स या ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन से। सोर्स समझ रहे होंगे, सोर्स जहाँ से कोई लाइट आती है उसे हम सोर्स मान सकते हैं, या कोई साउंड वेव आ रही हो, और ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हियर टाइम इज नॉट चूजेज एज द एब्सोल्यूट टाइम एज इट इज एज्यूम इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो सम शॉर्टकमिंग ऑफ गैलीलियन विच इज रिमूव्ड बाई द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। द आइडिया वॉज द सेम। लॉरेंट ऑल्सो यूज द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एंड द सेकेंड फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, दिस इज एफ डैश इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। सो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। And suppose P is the particle whose position is x, y, z, t according to this frame of reference, and the same P has the coordinate x dash, y dash, z dash, t dash according to the frame of reference. So these are the two coordinate system known as the frame of reference, and simply this is the P as a point and this is the coordinate, space time coordinate, four dimension. The transformation equations of x and x dash can be written as, this can be written as from the figure x dash equal k x minus vt. So this is taken from the Galilean transformation. The extra term here is the k is the extra term, because in the Galilean transformation we already seen x dash is equal to x minus vt. There is no k here. Extra factor using is small k, and this k is a constant of proportionality and is independent of the x and t. तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो लो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। जब वेलोसिटी हाई होती है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हाई मीन्स वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो जब भी वी टेंडिंग टू सी होता है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। वहाँ के लिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ने एक नया रिलेशन सोचा, एक्स डैश इक्वल के एक्स माइनस वी टी, और के को उन्होंने वेलोसिटी जैसा, के को एक कांस्टेंट की तरह लिया, और उस के को ये बताया कि ये इंडिपेंडेंट होगा एक्स और टी से, जो कि बाद में हम देखेंगे कि जो के का रिलेशन आएगा उसमें एक्स और टी नहीं होगा। नाउ दिस रिलेशन आल्सो कैन बी रिटन एज इनवर्स रिलेशन। तो एक्स डैश इक्वेशन वन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसी चीज़ को अगर हम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, और उसकी वैल्यू होगी एक्स इक्वल के, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ था वो अब अपोजिट की तरफ होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ चल रही होती है तो जो चल रही होती है उसे लगता है कि दूसरा वाला निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उसी वेलोसिटी से, जैसा कि ऑब्जर्व किया होगा कि अगर बस में बैठते हैं तो हमें लगता है कि बस रेस्ट में है, या ट्रेन में ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेन रेस्ट में है और बाहर के जो मकान वगैरह हैं वो चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि वो उसी वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो हम उस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल के इन ब्रैकेट एक्स डैश प्लस वी टी डैश। हियर टी इज नॉट इक्वल टू टी डैश,
Now putting the value of x dash from equation 1 in second, we get x equal k in bracket k x minus vt plus vt dash, and after solving for t dash we get the final expression as t dash equal kt minus kx by v in bracket 1 minus 1 by 1 upon k square. This is the equation third. Now according to second postulate of special theory of relativity of speed of light, c remain constant, so the velocity of light which is spread out should be same in the both frame of reference. So we can write x equals ct according to first frame of reference and x dash equal ct dash according to second frame of reference. Putting the values of x and x dash from 4 in 1, so we get ct dash equal k x minus vt equal k ct minus vt. Simple, putting the value of x and x dash, we get the equation 5. Similarly, using equation 4 in second, we get ct equal this, and after multiplying equation 5 and 6 we get this. Simple mathematics. So this is a complete notes type, so you can write down everything, which is very helpful for any entrance exam also. ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर के, एंड दिस इज द के, और इस के में एक्स और टी नहीं है. तो जो हमने सपोज कर रखा था पहले कि जो के है वो एक्स और टी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ से शो हो रहा है कि जो के है वो केवल वी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सी तो कॉन्स्टेंट होता है. तो जो के है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है. तो जब भी कभी वेलोसिटी सी की तरफ टेंड करेगी तो ये फिनोमेना ऐड हो जाएगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के वी गेट एक्स डैश इक्वल टू दिस, एंड दिस के इज ऑल्सो पुट इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट टी डैश. सो हियर एक्स डैश इज दिस एंड टी डैश ऑल्सो, आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट फाइनली टी डैश इक्वल टू दिस. सो दिस आर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. This is t dash, y dash equal y, z dash equal to z. क्योंकि हम यहाँ केवल एक ही डायरेक्शन में सपोज किए हैं, अगर तीनों डायरेक्शन में होगा तो जैसा x dash के साथ रिलेशन आया है उसी तरीके से y और z डायरेक्शन में भी y माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा. फिलहाल यहाँ हमने मोशन केवल x एक्सिस लिया है, इसलिए जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल वाई, जेड डैश इक्वल जेड, एंड टी डैश इक्वल टी माइनस एक्स वी अपॉन 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. दीज इक्वेशंस आर नोन एज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशंस. Must remember these things. If the frame F is moving with velocity v along the negative direction, तो अगर F जो फ्रेम F था दूसरा वाला, अगर वो velocity v से move करे negative x direction में, तो हम transformation को इस तरह से लिख सकते हैं. Simply जहाँ v होगा वहाँ minus v कर लेंगे, तो यहाँ पर जो minus sign था वो plus हो गया. This is plus. Here also plus. So this equation known as the inverse Lorentz transformation equation. Now if the speed of moving frame is much smaller than the velocity of light, then Lorentz transformation reduces to Galilean transformation. तो अगर v की value काफ़ी less होगी c से, तो इस condition में Lorentz transformation reduce हो जाएगा Galilean transformation. तो देख सकते हैं, अगर
यहाँ वी बहुत लेस होगा सी से, वी इज लेस देन सी देन दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, सो दिस इज ऑल बिकम्स वन. सो एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस बाई टी, दिस इज नथिंग बट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस बी टी. सिमिलरली हियर इफ वी इज लेस देन सी, सो दिस टर्म इज ज़ीरो एंड दिस इज ज़ीरो, सो दिस विल गिव टी डैश इक्वल टी, दिस इज ऑल्सो द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज द लॉरेन ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो उस केस में जब वेलोसिटी सी से बहुत कम होगी तो गैलीलियन लॉरेन ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ लेंथ कंट्रैक्शन, सपोज वी डिस्कस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज अ लेंथ ऑफ ए रॉड और एनीथिंग एंड एक्स वन इज द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो वन एंड ऑफ द रॉड इज एट एक्स वन, एट डिस्टेंस एक्स वन, एंड अदर एंड इज एट डिस्टेंस एक्स टू अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. And similarly, one end of this is x1 dash and x2 dash. This end, this is the x2 dash. According to this frame of reference, simply हम इस rod के coordinates को हम बता रहे हैं, इस rod के coordinates को दोनों frame of reference के हिसाब से. तो suppose L0 be the length of the rod in frame F dash measured by O dash at any instant. This length L0 is called the proper length. This is according to this frame is the proper length. So L0 here is the proper length. So we can write as L0 equal to x2 dash minus x1 dash. See x2 dash minus x1 is equal to rod. So L0 equal x2 dash minus x1 dash. Let L be the length of the rod measured by an observer O in the stationary frame F. So we can write L equal to x2 minus x1. Now from Lorentz transformation we can write, which I discussed earlier, x1 dash equal x1 minus vt. Similarly for x2, x2 dash equal x2 minus vt upon 1 minus under root v square by c square, under root 1 minus v square by c square. And subtracting 1 from 2 we get this, and substituting this is the L0 and this x2 minus x1 is L. After cross multiplication we get this, and this relation shows L is less than L0. Thus the length of the rod is reduced in the ratio this under root 1 minus v square by c square ratio 1 are measured by the observer moving with velocity v with respect to the rod. Time dilation, imagine a gun of space at point P in the frame F dash. Suppose the gun fired two shots at time intervals t1 dash and t2 dash measured by observer O dash in frame F dash. So these two time t1 dash and t2 dash is measured from the observer O dash, that is from this frame of reference. The time interval t2 dash minus t1 of two shots measured by the clock at rest in moving frame F dash is called the proper time interval and is given by the relation t2 dash minus t1 dash equal to t0. Similarly, in the frame F, the observer O, which is at rest, observes these shots at different times t1 and t2, and the time interval is given by t2 minus t1 equal to t. As the motion is relative, so we can assume that F is moving with velocity minus v along the positive x-axis relative to F dash.
So from inverse Laplace transformation equation, we can write as t1 equal to t1 dash plus vx dash upon c square upon under root 1 minus v square by c square. Similarly, t2 equal to t2 dash plus vx dash upon c square upon 1 minus v square by c square in under root. Using 1 and 2, we get this. And finally, we get this relation. And this relation gives t is greater than t0. And this showing the time interval appears to be lengthened by a factor this, which is observed by observers O in the frame F. This is called the time dilation. तो जो time का delay यहाँ show हो रहा है, जो t0 था वो proper time था, जो उसमें delay आ रहा है उसी को हम time dilation बोलते हैं. Velocity addition. This is also known as the velocity addition theorem. Figure is same as we discussed earlier. P is the velocity and this is the coordinate. Let u and u dash be the velocities of the particle measured in frame f and f dash. So according to first frame of reference, ux, uy and uz can be written as in the x, y and z direction. Similarly, from second frame of reference, ux dash, uy dash and uz dash. And now from inverse Lorentz transformation, we can write as on differentiating equation second, we get partially dx equal to this, dy equal to dy dash, dz equal dz dash and dt equal dt dash plus v dx dash upon c square upon under root 1 minus v square by c square. From 1 and 3 we have ux equal to this, and putting this value of dx is here, so we get this, and finally this. Similarly uy and uz, hence the expression ux, uy and uz represent the relativistic laws of addition of velocities. Here if ux equal to c, if the light is emitted in the moving frame f dash along its direction of motion relative to f, then ux equal to ux dash plus v, here ux dash plus v upon this. If ux dash is c, so this is c plus v and this will give c. From above expression it is clear that the speed of light is same in all frame of reference. हमने ux dash को c माना था और ये velocity second frame of reference के हिसाब से है, और इसको जब हम यहाँ put कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें जो वेलोसिटी मिल रही है फर्स्ट रेफरेंस का वो भी सी ही है. तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी सी ही है. सो इट इज़ क्लियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इज़ द सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, ये एक्सप्रेशन बताता है कि कैसे मास वेरी करता है वेलोसिटी के साथ. अभी हमने लेंथ देखा कि वेलोसिटी के साथ चेंज होता है. जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर ऑब्जर्वर मोशन में हो तो टाइम डिले आता है. वेलोसिटी एडिशन थ्योरम देखा. अब वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, तो मास में क्या चेंज होगा वेलोसिटी के साथ. सो सपोज मास ऑफ टू इलास्टिक बॉल्स B1 एंड B2 इन द फ्रेम एफ डैश इज एम. तो हम दो सिमिलर बॉल ले रहे हैं जिनका मास m है. द इलास्टिक बॉल्स B1 एंड B2 कोलाइड विथ ईच अदर इन सच ए वे दैट दे कुलीज इनटू वन बॉडी. सो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि बॉडी कुलीज कर जा रही है, तो आफ्टर कुलीजन मोमेंटम जीरो हो जाएगा. Thus the coolest body must be at rest in the frame f dash.
सो इट कैरी द ज़ीरो मोमेंटम, क्योंकि रेस्ट में हो जा रहा है कोलिजन के बाद, दोनों एक ही में कोलिज कर जा रहे हैं. नाउ लेट यू वन एंड यू टू बी द वेलोसिटी ऑफ द टू इलास्टिक बॉल्स इन फ्रेम एफ. अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि अगर उन्हीं दोनों बॉल्स की वेलोसिटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से यू वन एंड यू टू हो, मीन्स इसकी वेलोसिटी यू वन और इसकी वेलोसिटी यू टू, देन फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन राइट एज यू वन इज इक्वल टू दिस यू प्लस वी एंड यू टू इक्वल टू माइनस यू प्लस वी. माइनस यू, दिस इज माइनस माइनस यू, सो दिस साइन इज माइनस यू. आफ्टर कोलिजन द कोलिज्ड बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एफ डैश, दस द वी इज ऑब्जर्व वेलोसिटी इन द फ्रेम एफ. लेट एम वन एंड एम टू बी द मासेस ऑफ द बॉल्स बी वन एंड बी टू इन फ्रेम एफ. सो बाई अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन राइट एज, सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड वी गेट दिस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन. तो आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट दिस एंड फाइनली एम वन अपॉन एम टू. देयर इज सो मच कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ, एवरीथिंग इज रिटन हियर, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड वन बाय वन. हम थोड़ा यहाँ समय ले रहे हैं क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस है. क्लियर? सो फाइनली वी गेट एम वन इक्वल टू this and m2 equal m0 upon 1 minus u2 square minus u2 square upon c square, m equal m0 upon 1 minus v square by c square. So this is the relativistic formula for the variation of mass with velocity. This is the required formula, and this relation gives m is greater than m0 because v is always less than c. सो जो नीचे वाला फैक्टर है यहाँ पे वो हमेशा वन से कम होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो यम की वैल्यू यम नॉट से ज़्यादा आएगी. इफ़ यू सब्स्टिट्यूट वी इक्वल टू सी देन एम बिकम्स इनफाइनाइट, सो देयर इज़ नो मटेरियल पार्टिकल कैन हैव अ वेलोसिटी इक्वल और ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये फिनोमेना ये भी बताता है कि ऐसी कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी. क्लियर? दिस इज द कैलकुलेशंस, सो यू कैन सिंपली राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ कॉल्स की वजह से, बट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर.
So this is the required expression, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी वेरी करेगा वैसे वैसे मास में हमें चेंज मिलेगा. नाउ आइंस्टीन्स मास इनर्जी रिलेशन, लेट बॉडी ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग विद वेलोसिटी देन इट्स मास कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी रिटन एज. And also if the particle is displaced by the distance dx, so by application of force the work done can be stored as the kinetic energy in the body, and this can be written as dW equal dEk and fdx. The simple work done is fdx, and this is simple mathematics. Here m is varying with velocity, so m is not constant here. So we differentiate d of mb, and this is the dx by dt is v, and dmb equal to this. So after solving we get dEk equal to v square dm mb dv. This is equation 4. Also from mass relativistic formula m equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square, we get from this relation, and comparing equation 5 and 6 we get dEk equal to d of mc square. So from equation 7 we find that the change in kinetic energy is directly proportional to the change in mass. Here c square is constant and dm is the change in mass. So we see that the change in kinetic energy is directly proportional to the change in mass. If the body is at rest, the velocity will be zero, and hence the change in kinetic energy will be zero, that is mass will be m naught. Now if the body moves with velocity v, then its mass becomes m and its kinetic energy becomes Ek. So using this as a limit we get as the equation 8, simple integration. And finally this term is nothing but the total energy E. So this relation is a famous relation known as Einstein's mass energy relation. This is very very important relation of relativity, and this relation gives the mass and energy are interchangeable. Now energy momentum relation, let a particle of rest mass m naught is moving with velocity v, then the energy associated with it is given by E equal to mc square, and after putting the value of m we get this. For the momentum of particle, p equal to mb. So substituting the value of this v equal p by m in above, we get this. And finally, this is the relation, energy and momentum relation, relativistic energy and momentum relation. So this is also important. Some other form of kinetic energy we can write as, this is for v less than c, so finally we get for v less than c similar expression as in classical, kinetic energy equal to p square upon 2m. So this is important. If v is tending to c, we move towards the relativity. If v is less than c, we move towards the classical mechanics, simple mechanics, that is Ek equal p square upon 2m. Thus in the limit of a small velocities, the relativistic relation, this is the relativistic condition,
relativistic relation becomes between kinetic energy and momentum tends to the classical relation. This is the classical relation. So this is the complete notes of BSc third year for BSc third year student, and this is the first unit of the first paper of third year nearly all the universities. So this is very useful for all students of BSc third year and for all other entrance exam also. So I hope this is very 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 important for all of you, and I hope ki समझ में आई होंगी. ऐसी कोई कठिन चीज़ें नहीं हैं. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.